Hi dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYEC Economics. Friends, till now we have completed with our first chapter, that was Introduction to Microeconomics and Introduction to Macroeconomics. We have already discussed the thing that microeconomics studies about the behavior of individual units, small units, individual firm, behavior of individual consumer, individual producer, like that. So from chapter 2, we are going to start detailed study of microeconomics till chapter 5. Chapter 6 onwards, we will study about macroeconomics. So now, today, let's begin with second chapter, that is utility analysis. Friends, analysis means detailed study, proper observation on any particular concept. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. I must tell you one thing. As a consumer, when we go to market to buy something, how do we behave? That is consumer's behavior. Consumer always try to get maximum satisfaction from his purchase at lowest price. That is consumer behavior. Friends, let me clarify one thing. After the completion of study of 12 years, for the very first time, we are going to study about something which are directly related with ourselves. School section mein, whatever subjects we have studied, मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि वो सब study करके हमें क्या मिला. शिवाजी महाराज ने कितने किले जीते, कितने तोड़े, कितने फोड़े, कितने बनाए, उससे अपने को क्या फर्क पड़ा? क्या वो मरते वक्त एक भी किला अपने नाम करके गए क्या? हरियाणा में, पंजाब में इतने क्विंटल गेहूं उगते हैं, इतने क्विंटल चावल उगते हैं, अपने घर पे एक भी गोनी गेहूं चावल का फोकट में आया क्या? साइंस की हेल्प लेकर हमें समझाया जाता था सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिटमस पेपर, रेड या ब्लू होता है, ब्लू में रेड होता है. मुझे ये समझ ही नहीं आया कि अगर वो लिटमस पेपर रेड का, ब्लू का, ब्लू का रेड नहीं हो तो क्या आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? जो कुछ पढ़ाया गया, मुझे कभी समझ नहीं आया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैथ्स ने जो सिखाया, अगर ये नहीं आता है तो क्या जॉब नहीं मिलेगा? फ्रेंड्स, वॉट एवर सब्जेक्ट्स वी स्टडी टिल नाउ, इसका डायरेक्टली अपने से कोई कनेक्शन नहीं था. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द टॉपिक दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस विच इज रिलेटेड विथ कंज्यूमर बिहेवियर. आप और मैं रूटीन लाइफ में एज अ कंज्यूमर मार्केट जाके कुछ खरीदते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर्स. तो पहली बार हम खुद के बारे में, खुद के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अब तक दुनिया भर की बहुत पंचायती हमने कर ली, पहली बार चलो खुद के बारे में कुछ स्टडी करें, दैट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस. फ्रेंड्स, इन द ईयर ऑफ 1890 अल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द सोसाइटी इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिद्धांत, नियम, नॉर्म्स होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और उस बुक में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस द वर्ड यूटिलिटी. ऐसे तो इंग्लिश के हिसाब से यूटिलिटी मतलब नॉर्मल वर्ड सेटिस्फेक्शन. फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू फुलफिल, टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वॉन्ट. वी कैन
ऑल्सो से लाइक दिस कि यूटिलिटी का एक मतलब वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। नॉर्मली हम जब कोई चीज खरीदते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी पसंद है, ये हमारी चॉइस है। मार्शल का मानना ये है कि कौन सी चीज हमें पसंद आई इसलिए हम वो खरीदे, इट्स नॉट लाइक दैट। वॉट एवर प्रोडक्ट वी परचेस फ्रॉम द मार्केट, वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी औकात क्या, उसकी क्षमता क्या, उसकी कैपेसिटी क्या कि वो हमें कितना सेटिस्फाई कर पाए, हमें कितना खुश रख पाए, हमारी कितनी इच्छाओं को किस लेवल तक पूरा कर पाए। बहुत आसान शब्दों में समझा पाऊं तो अगर मैंने ये पेन मार्केट से परचेस की है तो ये पेन मुझे पसंद आई, मैंने परचेस कर ली, इट्स नॉट लाइक दैट ओनली। ये पेन जब मैं इस्तेमाल करूं लिखते हुए तो मुझे कितनी खुशी दे पाए, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वॉन्ट। इन लास्ट ईयर वी हैव कवर्ड टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू, फिर इसमें काफी फर्क होता है। ये पेन का प्राइस, मार्केट प्राइस 70 रुपीज, इन टर्म्स ऑफ मनी तो इट इज प्राइस ऑफ दिस पेन। अगर ये 70 रुपीज में अवेलेबल है तो 70 रुपीज मेरी जेब से गया, मैंने पेन परचेस कर लिया, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी। पर ये पेन की मेरे लिए पर्सनली मेरे दिमाग में इसकी वैल्यू कितनी, डोंट से मी सर जो प्राइस है वही वैल्यू रहेगा ना, नो फ्रेंड्स। व्हेन वी यूज अवर वैल्यू तो इट इज इन टर्म्स ऑफ यूज, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज इन टर्म्स ऑफ यूज। मेरे लिए पेन क्या मायने रखती है, देयर इज वैल्यू इन यूज। यहां पर लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। सपोज इस एज में, आपकी एज में कोई एक लड़का कॉलेज में किसी लड़की से प्यार कर रहा है, उसे प्रपोज भी किया और लड़के ने मना कर दिया। इस बात को 6 महीने हो गए, लड़का अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था कि ठीक है मेरे नसीब में नहीं होगी, इट्स ओके। आफ्टर 6 मंथ्स सपोज वो लड़के का बर्थडे है, वो लड़का कैंपस में अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, मजाक मस्ती चल रही है और उसी वक्त वही लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ दूर से उसको आती हुई दिखाई दी। वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे आज नर्वस नहीं होना है, टू इट्स माई बर्थडे। सपोज उस वक्त वो लड़की नजदीक आकर सबके बीच में उसको बोल रही है एक्सक्यूज मी टुडे इज योर बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ऐसा एक पेन गिफ्ट करती है, इट्स फॉर यू। फ्रेंड्स मान लो कि वो पेन सिर्फ 10 रुपए की है, लड़के को पता है पेन का प्राइस 10 रुपए है, लड़की को पता है, फ्रेंड्स को पता है, सबको पता है पेन 10 रुपए की है। पर अब उस लड़के को कोई पूछे अकेले में तो क्या वो पेन 10 रुपए की रही, अब ये पेन उसके लिए लाखों रुपए की हो जाएगी। भाई साहब अब तक टी शर्ट पहन के घूमते थे, अब से शर्ट पहनेंगे, पॉकेट में पेन भराएंगे, दिल के नजदीक रहेगी ना, उसके हिसाब से पेन का मायना ही बदल गया। अब वो 2 पेन लेके घूमते रहेगा, एक पेन यूज करेगा, ये दूसरी वाली पेन तो दिल के नजदीक से निकालेगा ही नहीं। सपोज ड्यूरिंग द लेक्चर किसी फ्रेंड की इंक खत्म हो गई, उसने बोला एक्सक्यूज मी तेरे में वो पेन है देना, नहीं वो तेरे लिए नहीं है, अरे चलना 10 रुपए की पेन के लिए क्या होता है, देना, देखा पेन के बारे में कुछ नहीं बोला, हाथ उठ जाएगा, मतलब सालों की दोस्ती खतरे में 10 रुपए की पेन के लिए। क्यों? क्योंकि वो पेन उस लड़की ने गिफ्ट की थी। पेन का प्राइस जरूर 10 रुपया है पर उस लड़के के लिए अब वो पेन की जो औकात है, कैपेसिटी, क्षमता है वो कुछ और है। तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। सो यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वॉन्ट। कोई भी चीज की औकात क्या, कैपेसिटी क्या कि वो आपकी इच्छा को किस लेवल पर पूरा कर सके, आपको कितना खुश रख पाए, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। सो यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन बिहेवियर कि एज अ कंज्यूमर व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय समथिंग हाउ डू वी बिहेव। तो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। फ्रेंड्स
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जब हम ये बोल देखे हाँ यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन समझ में आ गया सर, नो फ्रेंड्स इट्स नॉट दैट मच सिंपल। यहां पर यूटिलिटी के लिए वी हैव सिक्स डिफरेंट टाइप्स। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टाइप दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। यहां पे फॉर्म का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, अपीयरेंस। हम ये बोल सकते हैं इसका मतलब इट मीन्स यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द साइज शेप कलर और टेस्ट ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस। सो यूटिलिटी इज एडेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी। अगर हमने कोई चीज का साइज शेप कलर कुछ बदल दिया और उसकी वजह से उसका इस्तेमाल बढ़ गया, उसका यूज बढ़ गया, उसकी अहमियत बढ़ गई, तो दैट विल बी नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल, अ शर्ट और अ ड्रेस हैज मोर यूटिलिटी देन अ क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ। सबको पता है कि शर्ट कपड़े में से ही बना है। शर्ट पहन के मैं कहीं पर भी घूमू, मॉल में जाऊं, मैरिज में जाऊं, मार्केट जाऊं, मूवी देखने जाऊं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कपड़ा डाल के मैं कहीं पर भी घूमू ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। अगर कपड़ा डाल के मैं आपका लेक्चर लेने आऊं तो आप खुद ही मुझे इग्नोर करेंगे। कपड़ा डालने का हक सिर्फ बाबा रामदेव को है फ्रेंड्स। आप और मैं कपड़ा डाल के नहीं घूम सकते, जबकि उन्हीं कपड़ों में से अगर ड्रेस मटेरियल बना दिया, शर्ट टी शर्ट कन्वर्ट कर दिया तो उसका इस्तेमाल बढ़ गया, तो इट इज फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड वन इज प्लेस यूटिलिटी। इट मीन्स यूटिलिटी इज एडेड ऑफ एनी कॉमोडिटी बाय सेंडिंग दैट कॉमोडिटी टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट इज नीडेड मोर। अगर और आसान शब्दों में बोले तो इट मीन्स यूटिलिटी इज क्रिएटेड by changing the place of use of any commodity. Example, woolen clothes have more utility in Kashmir than in Mumbai. देखिए ऊनी कपड़े जो होते हैं, स्वेटर जो होता है, स्वेटर तो स्वेटर ही है, सब जगह पहनने का तरीका भी सेम है। ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर वाले उसको सर से पहनेंगे और मुंबई वाले पैर से डालेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मुंबई में स्वेटर की कोई वैल्यू नहीं रहती, अपने वहां पे दिसंबर में भी हमें वुलन क्लोथ्स याद नहीं आते। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कभी स्पेशली इसका शॉपिंग किया होगा, चलो स्वेटर खरीदते हैं, इतनी ठंड कहाँ है, हम तो यहाँ नवंबर दिसंबर में एसी चालू कराते हैं। पर अगर हम कश्मीर चले जाए तो वहां पे इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो वहां पे स्वेटर का डिमांड रहेगा। यहां पे अगर गलती से कॉलेज में किसी यंगस्टर ने स्वेटर पहन लिया तो लोग हंसेंगे, देख भास्कर आया, भास्कर दिवाकर चौधरी, पार्टनर मूवी का गोविंदा। लेकिन स्वेटर पहन के विद मंकी केप अगर कश्मीर में कोई घूमेगा, कोई बोलेगा देख भास्कर आया, नो, वहां पे उसकी जरूरत है। अगर वो नहीं पहनेंगे तो अंदर से सब कुछ जाम हो जाएगा। तो स्वेटर की कदर मुंबई वाले कम करेंगे, कश्मीरी लोग ज्यादा करेंगे। तो इट इज utility by changing the place of use of that commodity, that is place utility. That was our second point. Friends, our third point is time utility. It means utility is created by changing the time of use of any commodity or service. मतलब उस commodity का ना तो आप size, shape, color change कर रहे हैं, ना उसे इस्तेमाल करने का जगह बदल रहे हैं, हम सिर्फ उसे इस्तेमाल करने का वक्त बदल देते हैं और इसकी वजह से उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है, उस चीज का इस्तेमाल बढ़ जाता है, यूज बढ़ जाता है। देयर इज टाइम यूटिलिटी। बेस्ट एग्जांपल इज अम्ब्रेलास हैव मोर यूटिलिटी इन मॉनसून, इन रेनी सीजन देन इन समर। बचपन से सिखाया गया है छाते की यादों में बारिश में आती है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कॉन्सेप्ट कहां से आया।
अपने फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबने बचपन से घुसेड़ दिया दिमाग में कि छाते की याद बारिश में आती है। बचपन में कहीं तो एक कविता सिखाई गई होगी, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। मेरे को कभी ये कविता समझ में ही नहीं आई। अरे भाई, जब छाता लेके निकले तभी छाता ऊपर नीचे तू था, जब पैर फिसल गया तभी छाता ऊपर नीचे तू है, और जब नहीं समझ में आता है, चलने को नहीं जमता है, तो रेनकोट पहन के निकलना भाई। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, छाते का इस्तेमाल, उसकी याद हमें बारिश में ही आएगी। बट द फैक्ट इज फ्रेंड्स, मुंबई के बारिश में छाता कभी काम नहीं लगता, ये अपने को सबको एक्सपीरियंस है। एक तो फ्रेंड्स, मुंबई में ना थम्सअप तूफानी नहीं है, यहाँ का बारिश तूफानी है। ये कभी ऊपर से वर्टिकल तो आता ही नहीं है, कभी ये बाजू से आए, कभी ये बाजू से आए, तो क्या छाता ऐसे लेके चलेंगे हम? ये कैसे पॉसिबल है? और अगर हम कभी एसवी रोड पे, हाईवे पे छाता लेके चल भी रहे हैं, अगर कोई ट्रक या बस स्पीड में आके निकल गई, वो सब छीके उड़ा के गई, अब छाता कितना, आप कितना भी डबल फोर ट्रिपल फोर कितना भी अच्छा छाता यूज करो, हम बारिश के वक्त मुंबई में छाते से अपने आप को सिर्फ यही तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद तो दिल गिला 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 गिला। तो सबको पता है कि मुंबई जैसे एरिया में छाते का इस्तेमाल बारिश में एक्चुअली नहीं हो रहा है। द फैक्ट इज, अगर हम कभी टाउन साइड चले जाए, पॉश एरिया में, फ्रेंड्स वहां पे 10 में से 7 लेडीज के हाथ में आपको छाता समर सीजन में दिखाई देगा। छाते का सबसे बेस्ट यूज समर सीजन में धूप से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, पर हमें बचपन से सिखाया गया है कि छाता मैंने बारिश में निकालो। और कुछ लोगों को कहे तो लगे नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, छाता लेके कौन चलता है धूप में। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, साइंस ये प्रूव कर चुका है, दुनिया के किसी भी सनस्क्रीन लोशन में या किसी भी कॉस्मेटिक में ये प्रोटेक्शन पावर नहीं होता कि वो धूप के मार्च अप्रैल में जून के महीनों में मुंबई जैसे एरिया में यूवी रेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी कॉस्मेटिक की एड हमें दिख रही है, वहां पे वो जो भी चैलेंज लगा है, 5 करोड़ का चैलेंज, यामी गौतमी, फेयर एंड लवली, 6 हफ्तों में निखार रहा है, विको टर्माइट, 24 कैरेट सोने का प्रोटेक्शन, ये सिर्फ सुन के खुश होना है फ्रेंड्स। हम 6 हफ्ते नहीं, 6 साल देने को तैयार है। अगर फेयर एंड लवली कंपनी किसी तबेले से काले भैंसे को उठा है और उसके ऊपर 6 साल तक फेयर एंड लवली घिस के खत्म कर डाले, अगर वो फेयर हो जाए भैंसा, इतू सा भी फेल हो जाए, तो फ्रेंड्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। नाउ डोंट सी मी कि सर वो तो भैंसी का नेचुरल कलर है, अरे तो अपना भी जो स्किन कलर है नेचुरल है, अपना थोड़ी एशियन पेंट से। किसी भी कॉस्मेटिक से निखार नहीं आता है फ्रेंड्स, कोई गोरापन पॉसिबल नहीं है। अगर हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, हम मास्क का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला इस्तेमाल करें, कैप यूज करें, तो कपड़े का जो इस्तेमाल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अम्ब्रेला शुड हैव मोर यूटिलाइजेशन इन समर, पर दिमाग में डाल दिया गया है कि अम्ब्रेला से मोर यूटिलिटी इन मॉनसून, बारिश में ही छाता याद आएगा। अगर मेरी इस बात को सुनकर सपोज आप में से किसी ने घर पे बोला कि हम धूप में छाता लेके निकलेंगे, तो पेरेंट्स भी ताना मारेंगे, ये कौन सा नया फैशन शुरू कर दिया। मतलब अपने दिमाग में माइंडसेट कर लिया गया है कि छाते का इस्तेमाल बारिश में होना है, तो इट इज टाइम यूटिलिटी। देयर वाज अवर थर्ड पॉइंट, टाइम यूटिलिटी। फ्रेंड्स अवर फोर्थ पॉइंट इज सर्विस यूटिलिटी। इट मींस यूटिलिटी इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। बेस्ट एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडेड बाई डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स। ये तीनों लोग जब तक अपनी सर्विस दे रहे हैं तब तक ये महान है फ्रेंड्स। जैसे उनका सर्विस देना खत्म, उनका वैल्यू भी खत्म। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, आप हिस्ट्री का कोई भी बड़ा मैटर निकालिए,
बड़ा इंसिडेंट देख लीजिए, ये तीनों लोग में से कोई एक होगा जिसने वहां पे बवाल मचाया होगा। फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी कुछ भी करे चलेगा, लेकिन डॉक्टर, लॉयर, टीचर इंक्लूडिंग मी, हमको ये तीनों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही ना यहां से नहीं लड़ते, ये तीनों यहां से लड़ते हैं। दे आर बेस्ट टिल दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। एक डॉक्टर कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, हम उसकी कदर तब तक करते हैं जब तक हम उसके दवाखाने में। अगर पीएम मोदी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले उल्टा लेट जाओ, मुझे चेकअप करना है, क्या मोदी बोल सकता है मैं पीएम हूं, मैं क्यों उल्टा लेट हूं? अरे भाई, उल्टा लेट जाओ वरना हमेशा के लिए लेट जाएगा। लेकिन अगर आपका फैमिली डॉक्टर दवाखाने से बाहर निकल गया हो, बंद करके आप कहीं आइसक्रीम खा रहे हो, और वहां पे आके वो बोले आया करो, अरे क्या आया करो, अरे भाई साहब इनको भी एक आइसक्रीम खिलाओ, हम दवाखाने में जाए तब तुझे बोले सब करेंगे, क्योंकि तेरा जो वैल्यू है, तेरा जो यूटिलिटी है, तेरी जो अहमियत है, वो तेरे दवाखाने के अंदर है जब तक तू वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एकदम आसान मतलब समझाऊं, एक वकील तब तक मान है जब तक वो कोर्ट में केस लड़ रहा है, बाकी घर पे जाते हो तो वो भी अपनी बीवी के लिए सब्जी लेके जाएगा एज अ नॉर्मल मिडिल पर्सन। तो यहां पे एक आसान सी बात, एक डॉक्टर अपने दवाखाने में महान है, एक वकील अपने कोर्ट में महान है, और एक टीचर सिर्फ अपने क्लासरूम में महान है। जब तक वो लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ा रहे, तब तक वो महान है। अपने में से ज्यादातर तो लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा फ्रेंड्स, टेंथ का साइंस का बोर्ड का प्रैक्टिकल खत्म होता है ना, तब जब तक वो प्रैक्टिकल बाकी है तब तक तो साइंस की जगह हम सब गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सर कुछ भी काम हो बोलिए, वो मस्का पॉलिश करते क्योंकि वो बोर्ड के मार्क्स देने बाकी है। एक बार वो बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, प्रैक्टिकल्स हमें पता चल गया कि मार्क्स मिल चुके हैं, और अब स्कूल के बाहर वो सर निकले तुरंत भी से ए टकले, और फिर खुद ही जाके सर किसी टकले ऐसा बोला ना, मैंने भी सुना ऐसा यहां से आ जाए टकले टकले ऐसा करके 5 बार और बोल दिया, क्योंकि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे का जो सर्विस था साइंस प्रैक्टिकल तक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नाउ हु केयर्स। तो एक डॉक्टर अपने दवाखाने में महान है, दुनिया का कितना भी बड़ा सर्जन हो अगर कोर्ट में केस चल रहा हो तो वहां पे जाके वो जज को नहीं बोल सकता है कि आप लेके आओ मैं आपका पोस्टमार्टम कर दूं, वहां पे जज बोलेगा चुपचाप खड़े रहे वरना मैं फांसी लटका दूं। दुनिया का कितना भी बड़ा वकील हो, ऑपरेशन थिएटर पे वो डॉक्टर को नहीं बोल सकता है कि मेरे को अगली तारीख दे दो, तारीख पे तारीख, डॉक्टर बोलेगा आज ही आखिरी तारीख है सो जा। और एक टीचर जब तक एजुकेशन सर्विस दे रहा है तब तक वो महान है। तो सर्विस यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी इज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग, और तब तक उसकी अहमियत है, इट्स सर्विस यूटिलिटी। फ्रेंड्स, जितने भी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हिस्टोरिकल, ये सब के पीछे अगर आप कोई बड़ा रीजन सर्च करेंगे तो या तो वो कोई डॉक्टर था, या तो वो कोई लॉयर था, या तो वो कोई टीचर था जिसने वो मूवमेंट को खड़ा किया हो पूरा, दैट इज सर्विस यूटिलिटी। दैट वॉज अवर फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, अवर फिफ्थ पॉइंट इज पजेशन यूटिलिटी। पजेस, टू हैव समथिंग विथ अस, बिलोंगिंग टू अस। सो पजेशन यूटिलिटी का मतलब, इट मीन्स यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय हैविंग समथिंग विथ अस, कोई चीज जो मेरे पास है और वो सबके पास नहीं है, तो जब तक वो चीज मेरे पास है तब तक मेरी वैल्यू है। सिंपल लैंग्वेज बोल दो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर टू द सेलर, वो सामान का मालिक जब तक कोई एक सेलर है तो वो मालिक है, क्योंकि वो चीज उसके पास है, उसने जब वो सेल कर दिया, बायर ने परचेस कर लिया, अब वो बायर की मालिकी हो गई। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ गुडविल, देखिए ऐसे तो अकाउंट्स ने हमें समझाया है गुडविल मींस, आसान लैंग्वेज में समझाया गया है रेप्यूटेशन। फिर ये गुडविल का रेप्यूटेशन सिनोनिमस वर्ड हुआ, ग्लोसरी मीनिंग हुआ, ये उसका मतलब नहीं हुआ एक्चुअली। एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुडविल मींस इमेजिनेशन ऑफ योर नेम इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में आपके नाम की जो इफेक्ट है,
जो इमेज है दैट इज गुडविल एंड ट्रांसफर ऑफ गुडविल एक नाम का बदला जाना। हाँ बोलेंगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, 500 रुपए का एक बैनर लगता है, बोर्ड लगता है, नाम बदल दो। नो फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पजेशन यूटिलिटी ट्रांसफर ऑफ गुडविल लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फ्रेंड्स बहुत सालों पहले की बात है जब इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, थम्सअप टेस्ट द थंडर, थम्सअप जो आप सही समझे। फ्रेंड्स थम्सअप तो प्रोडक्ट का नाम है, जिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया इट वॉज इंडियन कंपनी दैट इज पार्ले। फ्रेंड्स ये पार्ले का प्रोडक्ट है। इन द ईयर ऑफ 1993 इंग्लैंड की सॉफ्ट ड्रिंक की एक कंपनी ने इंडिया के मार्केट में एंट्री किया दैट इज कोका कोला, कोक। फ्रेंड्स ये कोका कोला जो कंपनी है ये इंग्लैंड की कंपनी है। बेसिकली पेप्सी और कोका कोला ये दो कंपनी में टफ कंपटीशन है सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर, लेकिन इसमें एक पार्ले कंपनी और उसमें भी स्पेशली थम्सअप, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम हो चुका था। इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से सॉफ्ट ड्रिंक मतलब थम्सअप ही था। फ्रेंड्स कोका कोला ने जब एंट्री मारी थम्सअप को कॉम्पीट करने के लिए 6 महीने तक उन्होंने बहुत ट्राई किया। उस वक्त स्टार प्लस पे 2 हिट सीरियल चल रही थी, कहानी घर घर की एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कोका कोला ने थम्सअप को कॉम्पीट करने के लिए फ्रेंड्स स्टार प्लस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां पे ये कहा गया कि ये दोनों हिट सीरियल में जहां पे भी थम्सअप की एड आती है उसके तुरंत पीछे तुरंत हमें पूछने भी बताओ हमारा कोका का भी एड दे दो और उसके लिए आपका जो भी चार्जेस है प्लस 20,000 पर एड वी विल गिव यू। उनको ऐसा लगा कि थम्सअप की एड के बाद अगर कोका की एड आएगी तो लोग थम्सअप भूल जाएंगे और कोका पीना शुरू कर देंगे, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ, लोग अभी भी थम्सअप ही पी रहे थे। कोका को हैवी लॉस हो गया। उस वक्त थम्सअप की एड में फ्रेंड्स सॉरी अक्षय कुमार होता था, तो कोका वाले आमिर खान को लेकर आए। आमिर खान बहुत कम एड में दिखाई देता था और उसकी कोई भी मूवी और एड बहुत कम फ्लॉप होती थी, पर कोका की एड भी फ्लॉप हुई और प्रोडक्ट भी फेल गया, कंपनी को अगेन हैवी लॉस हुआ। तब तक थम्सअप सलमान खान को लेकर आया, सामने उस वक्त कहो ना प्यार है ये ऋतिक रोशन का फर्स्ट मूवी रिलीज हुआ था, तो कोका ऋतिक को लेकर आया कॉम्पीट करने के लिए और एक एड बनाई गई जहां पे ऋतिक रोशन ने कोका पीने के बाद कहा सिर उठा के पियो। उस वक्त HDFC सिक्योरिटीज की एक एड आती थी सिर उठा के जियो, लेकिन फ्रेंड्स ये इंडिया वाले थे ना सिर उठा के जी रहे थे ना सिर उठा के पी रहे थे। कोका को अगेन हैवी लॉस हो गया, लोगों के दिमाग से जहन से थम्सअप निकल ही नहीं रहा था। अब कोका कंटाल गया, यहां पे उन्होंने अब पार्ले को बुलाकर एक डील फाइन करने की बात हुई कि एक डील फाइनल करते हैं। सबसे पहले पार्ले को बुला के कहा गया पार्ले कम हियर वी वांट टू बाय योर थम्सअप। तो पार्ले ने मजाक उड़ाया कि चाहिए उतनी बोतल मिलती है 10-10 रुपए में ले लो। बोले हमें बोतल नहीं चाहिए हमें तेरी कंपनी थम्सअप चाहिए। पार्ले का सीट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई शर्ते लागू, इन्होंने कहा शर्ते बोलते जाओ। पार्ले ने कहा देख थम्सअप नाम थम्सअप ही रहेगा, बोले हमें भी वही चाहिए गलत स्पेलिंग के साथ। फ्रेंड्स कभी ऑब्जर्व करना थम्सअप थम का स्पेलिंग चेक करिए, वहां लाल अंगूठा जो दिखाया है वो थम का स्पेलिंग है ही नहीं। ये प्रोडक्ट को पॉपुलर करने का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था, जैसे टाटा में ए लिखा ही नहीं होता है उल्टा भी लिखा है सिमिलरली, तो कहीं ना कहीं
इन्होंने कहा थम्सअप नाम यही रहेगा? बोले यस रहेगा। बोले कंपनी मेरी रहेगी, वर्कर्स मेरे रहेंगे, यही फॉर्मूला, यही प्रोडक्शन, सब कुछ यही। कोका बोला यस चलेगा। बोले नहीं, ये सबका खर्चा तेरे को करने का, मशीन मेरे होंगे, डेप्रिसिएशन तेरे को देने का, वर्कर्स मेरे होंगे, वेजेस तू पे करेगा, लाइट का मीटर मेरा रहेगा, बिल तेरे को भरने का। इन्होंने बोला डन। बोले आगे सुनो, हर एक प्रोडक्ट जो यूनिट तू बेचे थम्सअप का, तेरा जो टर्न ओवर होता है, हमें सब खर्चा तेरा, फिर भी 20% प्रॉफिट मार्जिन का हिस्सा चाहिए। ऐसा पार्ले ने थम्सअप के लिए कोका के सामने कंडीशन रखी। कोका बोला डन। अब पार्ले ने कहा कि भाई तू सब में डन 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 कर रहा है, सब कुछ तो मेरा है, तो तुझे मिला क्या, फायदा क्या, तुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली? कोका बोला अब तू मेन बात पे आया, तो अब तू मेरी सुन, तेरी हर शर्त मुझे मंजूर है, सिर्फ एक शर्त मेरी सुन, थम्सअप की जो बॉटल है जहां पे तू लाल अंगूठा दिखा रहा है, उसके नीचे जब तू लिखता है 300 ml, साथ में तू एक लाइन लिखता है अ प्रोडक्ट बाय पार्ले। बोले हाँ लिखता हूं। बोले वो वर्ड चेंज कर और वहां पे लिख अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। पार्ले का एक मिनट नहीं, मतलब तुझे मेरे थम्सअप से प्रॉब्लम नहीं है, तुझे मेरे पार्ले के नाम से प्रॉब्लम है। बोले ऑफकोर्स यस, वहां पे पार्ले नाम निकाल और लिख अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, बाकी सब कुछ मुझे मंजूर है, तेरा थम्सअप यही रहेगा, टेस्ट यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, पर मुझे मेरा नाम वहां चाहिए पार्ले कट करके कोका कोला। फ्रेंड्स पार्ले ने कहा तो इसके लिए एक और अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट वी नीड। कोका कोला अमाउंट बोल, फ्रेंड्स अमाउंट वॉज 457 करोड़। मैं आज से करीब 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 457 करोड़। फ्रेंड्स इट्स अ ह्यूज अमाउंट, अगर मैं इसका जीरो गिनने बैठे ना तो घर पे टाइम पास हो जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट एक पार्ले वर्ड निकालने के लिए थम्सअप की बोतल से पार्ले ने डिमांड किया और कोका ने बोल दिया डन। शेक्सपियर लिख कर गया है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं व्हाट्स इन द नेम, तो हम बोलते हैं शेक्सपियर ने लिखा, तो यहां पे हम शेक्सपियर का नाम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हाईलाइट कर रहे हैं। जो भी लोग ये सोचते हैं नाम में क्या रखा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक पार्ले नाम का इफेक्ट आप सोचिए कि 25 साल पहले एक कंपनी एक वर्ड खर्चा था और उसके बदले वो अमाउंट मांग रही है 457 करोड़, और कोका बोलता है डन। ये इतना बड़ा अमाउंट होता है कि अगर मैं इसका इंटरेस्ट गिनने बैठूं आज की तारीख में, तो पार्ले की 7 जनरेशन तक वो कोई कुछ ना करे और सिर्फ ऐश करे तो भी ये पैसा खत्म ना हो। उसके बावजूद भी पार्ले ने ये पैसा लिया एक वर्ड बदलने के लिए, और आज भी पार्ले फ्रूटी बेच रहा है, पार्ले पॉपिंस बेच रहा है, पार्ले जी बेच रहा है, 1 रुपए का किसमी चॉकलेट बेच रहा है। फ्रेंड्स दिस इज बिजनेस, और ये वो चीजें होती है जो कोई बुक, कोई नॉवेल, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई फेसबुक, कोई गूगल, कोई व्हाट्सएप, कोई यूट्यूब नहीं दे सकता। फ्रेंड्स इसके लिए वी नीड इंटेलिजेंट प्रशंसक लेक्चर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, व्हाट एवर वी डिस्कस इन आवर लेक्चर, हम सब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आ रहे हैं जो हुआ हो। तो फ्रेंड्स एक वर्ड की अहमियत आप देखो कि कोका कोला लगा कि मुझे पार्ले वर्ड नहीं चाहिए और मेरा वर्ड चाहिए, उस एक वर्ड के लिए वी आर रेडी टू पे यू 457 करोड़। दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुडविल, दैट इज पोजेशन यूटिलिटी, कि मुझे थम्सअप की बोतल पे एक नाम मेरा चाहिए और उसके लिए वी आर रेडी टू गिव यू दिस मच अमाउंट। दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, पोजेशन यूटिलिटी। फ्रेंड्स आवर सिक्स्थ पॉइंट इज नॉलेज यूटिलिटी। When a person acquires some knowledge about one particular product, particular commodity, it is known as knowledge utility. Very simple example. आज से 20-25 साल पहले जब इंडिया में सेलफोन इंट्रोड्यूस हुए, मोबाइल फोन,
फिर वो कीपैड वाले फोन होते थे, ऊपर इतना बड़ा एंटीना होता था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, सिंपल रिंगटोन बजती थी। और उस वक्त मोबाइल का यूज लिमिटेड था, फोन का आना जाना, मैसेज का आना जाना, दैट्स इट। स्लोली 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 उसमें कुछ फंक्शंस ऐड होते गए, बाद में उसमें रेडियो घुसेड़ दिया, गेम्स डाल दी, टॉर्च डाल दी गई। और जब नेट इंट्रोड्यूस हुआ और टच स्क्रीन फोन पे आ गए, अब तो पूरा कंप्यूटर उसके अंदर घुसेड़ दिया है। तो जैसे 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 हमारा नॉलेज बढ़ रहा है उन चीजों को लेकर, उन फंक्शंस को लेकर, हम अपनी रूटीन लाइफ में सेलफोन का यूज बढ़ा चुके हैं। अब हमारे हाल ये फ्रेंड्स कि हम जब कुछ भी नहीं कर रहे तभी भी हम सेलफोन के साथ कुछ तो कर ही रहे हैं। वेन यू आर फ्री यू आर नॉट फ्री। हम जब कुछ भी नहीं कर रहे तभी भी हम कुछ तो क्रियाकांड सेलफोन के साथ कर रहे हैं। अगर 50 स्टूडेंट्स का बैच बैठा हो और लास्ट बेंच पे अगर मैं किसी स्टूडेंट को पकड़ लू, एक्सक्यूज मी व्हाट आर डूइंग इन योर सेलफोन, सर नथिंग। और नथिंग, गेम खेल रहा है, नहीं, मैसेज कर रहा है, नहीं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे रिप्लाई, नहीं, गाने सुन रहा है, नहीं, तो सर वॉलपेपर सेट कर रहा हूं। मतलब जब कुछ भी नहीं करने को तो वॉलपेपर सेट करने का, बैकअप लाइट सेट करने का, पर कुछ तो खच खुच खुच करते रहने का, बिकॉज वी हैव दैट मच नॉलेज नाउ अबाउट दैट पर्टिकुलर सेलफोन प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे फंक्शन समझ में आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसका इस्तेमाल और बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज नॉलेज यूटिलिटी, दैट वॉज अवर सिक्स्थ पॉइंट, नॉलेज यूटिलिटी। सो टूडे वी हैव कवर द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फ्रेंड्स प्लीज टेक डाउन ऑल दिस नोट्स इन वन नोटबुक ऑल्सो, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। सून आई अप्रोच यू। थैंक यू सो मच।